आज हम बात करेंगे ऐसी नदियों की जो जमीन पे नहीं बल्कि आसमान में चलती हैं, जिनके पास अमेज़न रिवर से भी दुगना पानी होता है। जी हाँ दोस्तों, इन नदियों को एटमॉस्फेरिक रिवर कहते हैं। ये लंबे पतले हवा के बैंड्स होते हैं जिसमें हवा के साथ साथ वाटर वेपर के भी भंडार होते हैं। आप इन्हें स्काई में एक पानी के हाईवे की तरह समझ सकते हो, जिनका काम पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए वाटर साइकिल को मेंटेन करना होता है। एटमॉस्फेरिक रिवर का ओरिजिन ट्रॉपिकल एरिया में होता है। हाई टेम्परेचर के कारण पानी वेपोरेट होकर वेपर बन जाता है और ऊपर उठने लगता है। स्ट्रॉन्ग विंड इस पानी को अपने साथ लेकर कॉन्टिनेंटल कोस्ट की ओर फ्लो करने लगती है। कॉन्टिनेंट्स पर पहुंचकर ये भारी वर्षा करती है। पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक इसी प्रकार की फेमस एटमॉस्फेरिक रिवर है, जो हवाई के पास से गर्म और मॉइस्ट हवा को उठाती है। जब पाइनएप्पल एक्सप्रेस वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में आता है तो वहाँ हैवी बारिश और स्नोफॉल होता है। कैलिफोर्निया में इसकी वजह से एक दिन में 5 इंच तक बारिश होती है। अगला वीडियो आप किस ज्योग्राफी के फेनोमेना पे देखना चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।